उनकी बातों का मतलब ये है कि काम करने वालों के तजुर्बात आपके सामने आए हों। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो अच्छी जिंदगी के लिए उसने अल्लाह ताला ने सिफत रखी है कि दूसरे को देख कर सीखता, दूसरे को देख कर और सुनकर सीखता। और भगवान कीजिए तो हमारी पूरी जिंदगी किसी का अच्छा, हमारी हर चीज दूसरे से सीखी हुई है, सुनकर सीखी और अपने आंखों से देख कर। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान में यहाँ पर रखा है कि वो अच्छी चीज को अच्छा समझता है, बुरी चीज को बुरा समझता है। जो कुछ बना, जो कुछ है सब अल्लाह का बनाया हुआ है और उसकी मतलब इंसान के लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें अल्लाह की सब बनाई हुई हैं। अल्लाह ने इंसान ने यह समझ दिया है कि अच्छी चीज को देख कर पसंद आती है, बुरी चीज को देख कर अल्लाह पसंद होती है। तो उसके साथ अल्लाह ने इंसान ने नफरत किया है अपनी चाह, हमारे क्या अच्छा है क्या मजा है, किस चीज में मजा है किस चीज में मजा नहीं है, ये ऐसा अंदाज होता है कि आदमी को मालूम हो रहा है कि चीज अच्छी है लेकिन मैं मुझको फल मुझको नहीं करता, हमें फला की ज्यादा पसंद है उसके खिलाफ करता। अब इसी सब का ये आपस में जो इसका एक दूसरे से टकराव है उसी से ये हालात सामने आते हैं। अच्छे बुरे बहुत सी बुराइयाँ हैं जिसमें इंसान हो जाता है, इसलिए नहीं तो बुराइयों को अच्छा समझता है बुरा समझता है, लेकिन नफ्स जो है उसका उससे हटाता है। ये गुस्सा मजेदार की दूसरी नजर आ रही है उसको थोड़ा मजा वो ज़्यादा अच्छा कर लेता है, थोड़े मजे को और बड़ा मजा जो बाद में होने वाला है कहता है वो तो जो हो गया देखा जाएगा। इस वक्त तो हमें लीजिए अच्छी लगेगी, यही है पूरी जिंदगी का अंदाज। तो इसी को अल्लाह तला देखना चाहता है कि तुमको हमने दिखा दिया क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जहाँ तुम्हें समझने में दुशारी हो तो उसके लिए हमने वही के जरिए से बता दिया कि देखो तुम्हें लगता है कि वही पड़ जाओ लेकिन अच्छी है जरूरी है, इसमें समझ लो थोड़ी अच्छी है, इसमें अगर अच्छी नहीं मालूम हो रही है तो तुम्हारी तुम्हारे समझने का शौक है बता देता है। अब उसके बाद इंसान के पास कोई गुजर नहीं रह जाता, तुमने देख लिया कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, फिर जो तुम्हें अगर कोई शुभ हुआ तो हमने तुमको नबी के जरिए से अपनी किताब के जरिए से बता दिया है, देख लो मालूम हो पहले ही मालूम कर लो क्या जिसको तुम अच्छा उसको अच्छा समझो उसको बुरा समझो। अल्लाह ने किताब उतार दी अपना भी संभाल ली नबी के जरिए हिदायत दे दी, अब क्या जवाब है क्यों तुमने हमारा खिलाफ किया, हमने जिसको अच्छा बनाया था तुम उसको क्यों नहीं इख्तियार किया, बुरा जो है उसको तुमने क्यों इख्तियार किया, आगे बात कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने इंसान को आपस में दी है वो हिसाब लगा लगा के समझ लेता है क्या अच्छा है क्या बुरा, तो क्या जवाब देगा वो चाहे कि कहेगा हाँ क्या कर रहे हैं हम सर नहीं आता है कुरान भी के तुमसे जब कहा जाएगा तो कहोगे कि हमें दोबारा भेजिए दुनिया में हम अच्छा काम करके आएंगे। तो भाई और हमें हमें ये जिंदगी को ही अच्छे से देखना चाहिए, अब दो मर रहे हैं एक खुद सीखना है एक दूसरे को बताना, तो इसकी जरूरत है इसको दावत कहते हैं। दावत का काम यह है, दावत का काम यह है कि जो बदगम रहती है वो जो मुबतला हैं उनको मुबतला किया जाए, जो मुबतला हैं उनको मुबतला किया जाए, देखो तुम गलती कर रहे हो और इससे तुम्हें नुकसान होगा, और ये कि ये रब्बुल आलमीन ने जिसने तुमको पैदा किया हमको पैदा किया उसने वो इसको नापसंद करता है होशियार हो जाओ। इससे अगर इससे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान वह गलतियों से बहुत डर जाएगा बुराइयों से डर जाएगा, और अल्लाह ताला ने जिंदगी को
उनको एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई क्या कर रहा है, कोई जानवर क्या कर रहा है, उनको भी कोई फिक्र नहीं होती। और उनकी फिक्र अल्लाह ने ऐसी बना दी है कि वो महदूद ज्यादा काम ही नहीं उनका, ज्यादा उनको फिक्र की जरूरत ही नहीं, उनको खाना मिलता रहे और जो चाहे उनको पकड़कर उनसे काम दे वो काम करेंगे। इंसान ऐसा नहीं है, इंसान को इंसान की जिंदगी इज्तिमाही भी होती है, एक दूसरे से सीखने की इतना ही नहीं क्या है, एक दूसरे से सीखने की सिखाने की है। तो ये सबसे अला काम यह है कि हम लोगों को बुराइयों से मुतनवे करें कि देखो पहले तो ये अपने को ठीक रखें, जो हम ठीक रहेंगे तभी हमारा ये कहना है कि लोगों ठीक हो जाओ ये सही होगा, वरना खुद गलतियों में मुबतला हों, खुद बुरे कामों में मुबतला हों, दूसरे से कैसे कह सकते हैं कि आप बुरे कामों में मुबतला ना होगी। तो ये दावत का काम जो है ये सबसे ऊंचा काम है, यानी खुद भी महफूज रखते हुए गलत कामों से दूसरों को भी मुतवज्जे किया जाए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, एक इंसानी ताल्लुक है, हम मिलजुल कर रहते हैं चाहे उसमें किसी मजहब के हों, लेकिन जिंदगी ऐसी है कि हम एक दूसरे चूंकि सीखते हैं इसलिए हमें आपस में जो लोग हैं सबसे रब रखना पड़ता है, सबसे ताल्लुक रखना पड़ता है। अगर हम एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे से कश्मकश करें तो हमारा मुआजरा हमारा इज्तिमा जो है बेहद है, आपस में तामून और हमदर्दी से हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो जिंदगी एक मुसीबत हो जाएगी। सर इतने लड़ रहे हैं, उतने लड़ रहे हैं, इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद गलती दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे आपस में मोहब्बत नहीं पैदा होगी, आपस में एक दूसरे से ताउन नहीं पैदा होगा, इस तरह उनके जिंदगी गुजार सकते हैं, नहीं गुजार सकते। आप अगर जायजा लें इस तरह जो इंसानी मुआशरा जिन गलतियों में और जिन खराबियों में मुबतला हो गया है वो तबाह करने वाली है, वो तबाह करने वाली है। अगर कंट्रोल न किया तरीके से तो आप देखेंगे कि वो माशरा इंतहाई तबाही में मुबतला हो जाता है। बताने आप दुनिया के हालात देखें तो नजर आएंगे कि जहाँ कंट्रोल है हुकूमत का वहाँ तो कुछ ठीक ठाक है, और जहाँ हुकूमत का कंट्रोल नहीं है वहाँ लोग ऐसे ऐसे गड़बड़ कामों में मुबतला है कि एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, कि कोई हर्चा डरा हुआ है कि किसको क्या हो जाएगा, हर्चा खौफजदा है क्या हो जाएगा, इसलिए कि हर्चा अपने फायदे के लिए कर रहा है, दूसरे के फायदे को नजरअंदाज कर रहा है, तो क्या होगा, तो आपस में मोहब्बत भी नहीं पैदा होगी, आपस में ताउन नहीं पैदा होगा और हमारा माशरा खराब हो जाएगा। ये इंसानी ज़रूरत है कि हम लोगों को मुतवज्जे करें कि देखो अगर तुम ठीक से जिंदगी गुजारना चाहते हो राहत के साथ आपका दूसरे की खैर के साथ, तो फिर एक दूसरे से ताउन करो, एक दूसरे को भी तुम सही रास्ते पर चलने की तो ले रहा हो तो तुम्हारी तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारा माशरा अच्छा माशरा बनेगी, अच्छा को राहत हासिल होगी। वरना क्या होगा, एक दूसरे के माल को हवा करना, एक दूसरे को अपना फायदा दूर कर लेना उसके नुकसान में, ये इससे जिंदगी तबाह हो जाएगी। और इसकी मिसालें आप गौर करें हालात का तो आपको इसकी मिसालें मिलेंगी। तो इसकी ऐसे माशरे में खासतौर पर जहाँ लोगों के ख्याल मुख्तलिफ हों, मजाही मुख्तलिफ हों, वहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि मजहबी अख्तिलाफ मसलन और ईसाया और तबकाती अख्तिलाफ है, वो अख्तिलाफ लोगों को एक दूसरे से जुदा कर रहा है, तो अगर हम उनको मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे उनका ही बुनियाद मजहब बुनियाद तो नहीं, मजहब पर मामला ये है कि मजहब को समझ लो, मजहब को फिर अख्तियार करो, नहीं इंसानी बुनियाद पर कि हम अगर एक दूसरे के एक नुकसान और फायदे को सामने रखें, अपने फायदे नुकसान को सामने रखें और ये न करें कि फुलवर्दी अख्तियार करें तो हमारा माशरा अच्छा होगा, ताल्लुक वाला होगा, मोहब्बत वाला होगा, सस्ता होगा। तो ये इंसानी प्याम इंसानियत का यही मतलब है कि इंसानी बुनियाद पर हम लोगों को आपस में ताउन और हमदर्दी एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक पर आमादा करें,
भाई हम संधि जो उनका अच्छी जिंदगी गुजारे हैं उससे हम सबका फायदा है। तो वरना हम आपस में तनाव पैदा होगा, एक दूरी पैदा होगी, फिर एक दूसरे की हमदर्दी कैसे करेगा? अगर कोई किसी का दुश्मन है तो उसके साथ अच्छा सलूक तो नहीं करेगा। तो पहले भी बताएं कि इंसान इंसान बराबर है, कोई किसी का दुश्मन नहीं, दुश्मनी सही नहीं है और खुदगर्दी भी सही नहीं है। खुदगर्दी और दुश्मनी इन दोनों को दबाना चाहिए ताकि जिंदगी अच्छी गुजरे और सब आराम से कि माशाल्लाह ये काम पाया इंसानियत का इतना माशाल्लाह वही हो गया है, देख कर खुशी होती है और इसको बराबर दिलचस्पी से और तवज्जो से किया जाता रहेगा तो इसके अच्छे नतायज अच्छे आसार भी नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ जब हमदर्दी और तआवुन होगा तो हमारी जिंदगी अच्छी जिंदगी होगी और तआवुन की जिंदगी अच्छी होती ही है। इसलिए एक खुशी है और इसको आज दिलचस्पी से किया जाए तो अल्लाह ताला की रजा भी इससे हासिल होती है कि अल्लाह ताला इसका पसंद करता है कि उसके बंदे माकूल तरीके से जिंदगी गुजारें और अच्छे को अच्छा समझें, बुरे को बुरा समझें और उसी के मुताबिक तरीका अंदर इख्तियार करें। और अल्लाह ताला ने अभी काफ़ी दी आप लोगों को क्या यहाँ जमा हुए इस तादाद में, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा कि आपको एक दूसरे के तजुर्बात से वाकफियत भी हुई होगी कि किस तरह काम किया जा रहा है, उसके क्या अच्छे असर पड़ रहे हैं, ऐसे ही काम और बेहतर तरीके से अंजाम पाएगा। अल्लाह ताला कबूल हुआ है, असर करता हुआ है।